लास्ट क्लास में हम मैवन आपको करा रहे थे ना, और हमने आपको प्रोग्राम चला के दिखा दिया था स्टेप्स, ये स्टेप्स कॉपी हो गए थे आपके सारे? यस सर। नहीं हो गए शायद, हो गया था सर। ये मैवन के सारे स्टेप, मुझे लगता है सिर्फ मैंने फॉर्म तो आपको उसमें दे दी थी, स्टेप्स कॉपी करनी है पक्का? यस, फॉर्म भी आपने लास्ट का कॉपी करवाया था। अपनी फॉर्म तो चलो मैंने दे ही दिया था आपको, उसमें एंट्री मार दी। चलो मतलब ये पूरा हो गया ना, चलो फिर आज हम इसी मैवन को यूज करते हुए आपको सेकंड लेवल कैसे का प्रोग्राम चला के दिखा। स्टेप्स वही पहले वाले हमारे, ये बनाई हमने form.xml, ये देखिए साथ मॉडल वर्जन कुछ, ये हमारा ग्रुप आईडी, हमारा आर्टिफैक्ट आईडी, हमारे प्रोजेक्ट की जार बना देगा, हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया है URL में कर दिया है, यहाँ से सारा उठा के लाना dependencies, ये यूनिट वैसे इसकी dependencies की जरूरत नहीं है, यूनिट टेस्टिंग के लिए होती है। ठीक, हमें जो मेन चाहिए वो ये चाहिए collections वाली, ये dependency, ये form देखो आपके पास होगी जो मैंने आपको दिया उसमें मिल जानी चाहिए मुझे उम्मीद है। ये दूसरी DOM के लिए, ये भी Java की, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। हाँ ट्रांजेक्शन वाली हमें जरूरत पड़ेगी, ये कुछ डिपेंडेंसी है जो हमें चलानी देनी पड़ेगी। हाँ मेन है हमें इसकी डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी ये वाली, और ASQL करेक्टर की भी जरूरत नहीं है, ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, चाहो तो आप यूज कर सकते हो, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और ये मेरे अपने ऑरेकल की जो मैंने इसमें ऐड कर दी, तो ये कुछ डिपेंडेंसी हमने ऐड कर दी है सेकेंड लेवल कैशे को चलाने के लिए, और इस सेकेंड लेवल कैशे को हमें अनेबल करना पड़ेगा। SRC के पैरेलल में अपनी CSV फाइल रखेंगे, ड्राइवर क्लास URL यूजर नेम पासवर्ड इसको चेंज करें, पासवर्ड ठीक डायलेक्ट हो गया। आप ये आपको काम करना पड़ेगा। चलो साहब देखो, मेन था हमारे पास हाइफनेट कैशे प्रोवाइडर डॉट क्लास, ये वो कैसे है जो ये वो क्लास है जो कि हमें सेकंड लेवल कैसे की सारी कहानी देती है। हम जितने भी ऑब्जेक्ट सेकंड लेवल कैसे में जाते हैं ऑटोमेटिकली वो इसमें जाके से होंगे। तो आपको सिखाया था पहले तो फर्स्ट लेवल कैसे में चेक करता है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट नोट करते हो नहीं मिलता तो सेकंड लेवल कैसे में चेक करता है, वहां भी नहीं मिलता तो उसके बाद वो एक काम करता है, उसकी एक कॉपी फर्स्ट लेवल कैसे में भी डाल देता है, उसकी एक कॉपी सेकंड लेवल कैसे में भी डाल देता है, दोनों में उसकी एक कॉपी डाल देता है। और सेकंड लेवल कैसे सबके लिए कॉमन होता है मैंने आपको ये बताया था, और साथ में हमें एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रू करना पड़ता है, तो ये दो चीजें जो हमें देनी पड़ती है। इस क्लास में जाके हमारे सारे ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सेव होने वाले हैं और मैंने इसे सेव कर। अब चलते हैं हम अपने फॉर्म, मैंने बताई थी है ये मेरी दो क्लास है, एक डिपार्टमेंट एंटिटी और एक मेरी इंप्लॉय एंटिटी, या मैंने एनोटेशन यूज की हुई है, एनोटेशन की जार भी मुझे लगा दी है। तो डिपार्टमेंट, और देखो यहाँ पर आपको एक एंट्री मांगनी पड़ेगी कैसे कैसे कॉन्करेंसी स्टडी रीड होंगी, यानी कि आप कैसे सिर्फ डेटा रीड करेंगे उसमें और कुछ नहीं कर सकते, ये हम चेक करेंगे। टेबल होगी हमारी रीजन डिपार्टमेंट, ठीक।
ये एक रीजन आएगा जिसके अंदर में आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं जो सेकंड लेवल कहता है, उसके अंदर एक रीजन बना के उसके अंदर बहुत सारे अपने ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। टेबल तो हमारी डिपार्टमेंट हो ही गई है, और ये आईडी नेम और गेटर और सेटर आप कुछ इसमें पहले रिकॉर्ड डालने के लिए, चलो डाल देंगे। फिर एम्प्लॉय देखो टेबल एम्प्लॉय यूनिक कंस्टेंट है, यूनिक कंस्टेंट कॉलम आईडी कॉलम नेम ये भी आप डाल सकते हैं, इसका उससे कोई लेना देना ही कैशे से, कैशे वाली कहानी से दोस्त में ठीक कैटरी दे दी गेटर एंड सेटर दे दिया कोई भी ले, तो सिर्फ यूनिक कंस्टेंट देने वाली बात है कि आईडी यूनिक होना चाहिए, मेल आईडी यूनिक होना चाहिए, ये पहले से आईडी होना नहीं। अब मेन तो हम इसके ऑब्जेक्ट को सेव करने वाले डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे एक रीजन बना रहे हैं, उस रीजन के अंडर में डिपार्टमेंट ये सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे जिससे कि उन्हें सर्च करने में दिक्कत ना आए। तो ये दो क्लास हो गई। अब आ जाते हैं हाइबरनेट ब्यूटेन, वो आप जानते ही हैं पुराने वाली हमारी एक्सेशन फैक्ट्री, ये आप जानते ही अच्छे से पहले बना चुके हैं हम। ये है सेशन फैक्ट्री निकाल लिया, ये डिपार्टमेंट क्लास का ये देखो ओ अभी हम सिर्फ स्टोर डेटा ही चलाते हैं, बात कर देते हैं सेव भी दो बार चलाटमेंट हमारा काम हो जाना चाहिए और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम इस क्लास को चलाएंगे ये दो रिकॉर्ड हमारी टेबल बन जानी चाहिए डिपार्टमेंट, और मैं डाउनलोड करेगा वहां से
इट सक्सेसफुल हो गई। Must be many of the assignments for holiday. I know. That you accept the not money. Go problem solving. You see the car is losing the other time. Not null property references a null or target by hiding nullity. Check nullity.
इसमें सेशन डॉट सेव 62 लाइन में एरर दे रहा, इसलिए फेल हो रहा। मैं उनको डिपार्टमेंट में एरर दे रहा ना, सेव करते वक्त ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसी की वजह से आ रही है। कर ये नहीं है, अभी क्या है, नॉट नल डिपार्टमेंट। नेम में नलेबल वाली कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। देखते हैं कब तक चल जाएगा। रिपोर्ट कब तक नहीं आएगा, देखिए तो सही है। डेट आ गया, कुल Not execute JDBC batch. अब क्या मुझे बताइए? Insert into department values. Table or view does not exist. क्या उसमें अपडेट नहीं था? Not execute the batch update. Table or view does not exist. मतलब ठीक है, कमांड तो सही चल गई। SQL ग्रामर एक्सेप्शन लेकिन पहले डिपार्टमेंट इसने बनाई ना थी, उसकी वजह से दिक्कत कर रहा हूँ। अपडेट भी हमने दे रखा है, टेबल नेम डिपार्टमेंट इसे चला देना चाहिए था। अपने अपडेट करना चाहिए डिपार्टमेंट आईडी और नहीं। ये कहता है यूनिक कंस्ट्रेंट और इट्स नॉट एक्जिस्ट। देयर आर दैट सब कुछ तो सही है। Thank you.
कौन सा इसका टी है। तो चलो भाई हम भी नंबर ले लेते हैं, दूसरा फोन नहीं है के हमें लाके देखेगा डिपार्टमेंट। ठीक है साहब, डिपार्टमेंट आ गया, उसका नाम आ जाएगा लालू। चलो गुड। उसके बाद हमने दोबारा सेशन से लोड किया, लोड डिपार्टमेंट क्लास, ये रहा दो दो बार कैसे आ गया। दो बार नहीं लिखा हुआ, वो तो नीचे भी हमने दो बार लिखा हुआ है। ये तो एरर ऑन मशीन ही कौन सा सिंटेक्स है, कॉमा नहीं। ये मेथड देखो जरा कहाँ खत्म होता है, सेशन का मेथड है, पहले लोड किया डिपार्टमेंट और यही तो आई लानी चाहिए थी। ये लाइन तो एरर है भाई, ऐसी कोई लाइन ही नहीं। ये अभी कट कॉपी पेस्ट हो गया हमें लगता है, डबल डबल इधर तो एक फुल लाइन दिखा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, पहली बार हमने ये 40 लोड किया, चलो गुड। और उससे चलाया गेट नेम, चलो गुड। फेच द डिपार्टमेंट एंट्री अगेन सेशन लोड लॉग, दो दो बार क्यों जा रहा है, क्या लिखा है ये। एक्स्ट्रा है ये लाइन तो है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये काबनी रहा एक्स्ट्रा लाइन, कॉपी पेस्ट हुआ है सर, ये तो छवि कॉपी पेस्ट हो गया मुझसे लगता है। अब सही है ना, सेमी कॉलन से सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाना बाकी है, अब सही है ना। 40 डिपार्टमेंट नेम, अब ये पहले वाले सेशन से खींच के ले आएगा, ऐसी यहाँ पर भी ये लाइन है इससे गलत हो गई। हाँ
पुणे में डबल डबल कैसे हो जाएंगे? चलो अब चले गए, ध्यान से देखो। अब हमने पहली बार डाला, अब ये फर्स्ट लेवल कैश में भी जाएगा, सेकंड लेवल कैश में भी जाएगा और वहां से हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने दोबारा से इसे लोड मारा तो ये फर्स्ट लेवल कैसे से उठा के ले आएगा और नाम प्रिंट कर देगा। सेकंड लेवल कैसे तक जाने की जरूरत ही नहीं। अब हमने पहले वाले से इविक कर दिया, इसे खत्म कर दिया। अब मैं जब लोड करूंगा तो पहले वाले कैसे में नहीं मिलेगा कैसे में, तो ये अब ये किससे उठा के लेके आएगा? अब ये सेकंड लेवल कैसे से उठा के लेके आएगा, क्योंकि सेशन से मैंने सेशन से तो हटा ही दिया था, तो सेशन वाला होता है फर्स्ट लेवल कैसे। अब जब ये तीसरी बार प्रिंट करेगा तो सेकंड लेवल कैसे जाएगा। तो एक एंट्री यहाँ हो गई सेशन लेवल कैसे, सेकंड लेवल कैसे की, और फिर हमने नया सेशन बना दिया, फिर वहां पे लोड किया। अब फर्स्ट लेवल कैसे में तो था ही, तो पहले से आएगा ही आएगा, लेकिन सेकंड लेवल कैसे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये भी अब डाटाबेस के पास नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं नया सेशन बना रहा हूँ, मैं नया सेशन यहाँ पे बना रहा हूँ और इस बार इसको फिर से लोड कर रहा हूँ, तो ये सेकंड लेवल कैसे से ही उठा के ले आएगा और हमें आके प्रिंट करके दे देगा। अब लास्ट में हमने क्या प्रिंट कराया, हाइबरनेट ड्यूटी का गेट सेशन फैक्ट्री, उस पे गेट स्टैटिस्टिक्स, जिससे एक स्टैटिस्टिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, उससे गेट एंटिटी फेच काउंट। सारे दो दो बार कैसे कॉल हो रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। गेट एंटिटी फेच काउंट कुछ हुआ है क्या प्रोग्राम में? यस सर, है ना, ये भी दो बार कॉल हो रहा है, ये भी दो बार कॉल हो रहा है, कुछ तो मुझसे ऐसा कुछ हो गया लगता है, कॉपी पेस्ट करते हो। चलो ये देखो, एक तो गेट एंटिटी फेच काउंट ये बताएगा टोटल नंबर बार एंटिटी कितनी बार फेच की है, फिर आएगा हमारे पास स्टैटिक्स का क्लास का मेथड गेट सेकंड लेवल कैसे हिट काउंट, सेकंड लेवल कैसे कितनी बार हिट हुआ है और टोटल वो कितनी बार फैच हुआ है। देखो कितनी बार फैच हुआ, ऊपर जरा चेक करो, टोटल ये कितनी बार हिट हुआ है। हमने ये लोड किया पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चार बार तो वो हिट काउंट हुआ है, यानी कि वो गेट एंटिटी फैच काउंट फैच की गई है। अब सेकंड लेवल कैसे कितनी बार हिट होगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हाइबरनेट और टेस्ट हाइबरनेट कैसे, अबे क्या हुआ यार ये क्यों फोन पी रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऐसे, अरे ये तो अभी हमने बनाई है क्या, टारगेट नहीं बना क्या, अरे यार टारगेट दोबारा बनाते हैं, क्या ये क्लास नहीं बन रही, और अभी तो ये क्लास एक सेकेंड पहले हमने चलाई थी। वहां कुछ गड़बड़ हुई थी, देखो यहाँ सिंगल सिंगल है ना समय, स्टोरी का कमेंट है, कमेंट है इस वाले से चलाते
चल गया, अब मत कहिए क्लास में। अबे भैया आज क्या बात है, क्यों नहीं चल रहा भाई रोज का टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसमें चेंज नहीं किया, एच भी नहीं किया शायद। लेकिन वो करना पड़ेगा। तुम आ गया चार बार, ये देखो पहला आया दो, सेकंड लेवल कैसे कितनी बार हिट हुआ, एक बार हमारे पास, ये देखो हमारा सेकंड लेवल कैसे करता हूँ। और ये हमारा है एंटिटी फैच, और केवल एक ही एंटिटी फैच हुई है, वो थी हमारी फॉर्म, और तो कोई एंटिटी हमने फैच ही नहीं करी। देखो दो मेथड थे ना हमारे पास यहाँ पे, सासी मेन जावा, और हमने जो प्रोग्राम चलाया वो ये चलाया था, और इसके अंदर एक ही एंटिटी फैच हुई है। देखो हमने क्या प्रिंट कराया था, फाइनली के अंदर हाइबरनेट यूटिल गेट सेशन फैक्ट्री, उससे सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री का मेथड गेट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट, गेट एंटिटी फैच काउंट, और एक ही एंटिटी फैच हुई है हमारी। और उसके बाद है गेट सेशन फैक्ट्री, गेट सेकंड लेवल कैसे हिट काउंट, तो सेकंड लेवल कैसे सिर्फ दो ही बार हिट हुआ था, तब एक पहली वाली 40 के लिए और एक दूसरे सेशन के, दो ही बार हो गया इसका हमारे अच्छे से। और यहाँ नीचे हमने इसके एक्सप्रेशन किया, फर्स्ट टाइम एंटिटी फैच फ्रॉम द डाटाबेस व्हेन इट स्टोर्स इट्स डेटाबेस कॉलेज में, दो बार हमने हिट मारा सेकंड लेवल कैसे को, और एंटिटी कितनी फैच करी हमने, सिर्फ एक एंटिटी फैच करी है। तो कुल मिला के अब हमारा काम हुआ है, ये जाके से चल पाया। चलिए अब मैं आपको इसे अच्छे से कॉपी करा देता हूँ, आई थिंक इसकी फॉर्म मैंने आपको दे रखी है। चलो एक काम करो, ये मैंने गूगल ड्राइव पे डाल रखा है, तो मैं दे देता हूँ दोनों, फर्स्ट लेवल कैसे का प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, सेकंड लेवल कैसे का प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, ये तो लिंक कॉपी शॉपी छोड़ो इधर। मैं सबको दे रहा हूँ, इसे सीधा पूरा पूरा एज इट इज कर लेते हैं। एक दोनों के प्रोग्राम आपके पास मिल गया सबको? यस सर। हाँ बेटा बाकी चला तो ले गई तुम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैम के स्टेप से मैंने दोनों डाल ड्राइविंग पे डाल दिया, सेकंड लेवल कैसे में जाओगे स्टेप यहाँ पे है ही, उठा के पास करके चला, ठीक सर। चलो सर अब हमारा हाइबरनेट का लास्ट टॉपिक रह जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइबरनेट वैलिडेशन। अब हम बात करते हैं हाइबरनेट की वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट के डाटा नंबर की वैल्यू डाटाबेस में सेव करूंगा तो हाइबरनेट से चेक करूंगा और नाम में चेक करके ये ब्लैंक को देखता है। तो भी काम ये भी सब मैवन से चाहेंगे, इसके लिए हमें डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए, ये ठीक है, और एक डिपेंडेंसी जो वाली प्लस लास्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ई एल एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमें यूज की होगी, ई एल की भी जरूरत पड़ेगी, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है आ रही हमारी सारी वैलिडेशन, ठीक है साहब। तो ये तो काम हो गई, उसके बाद ये हमने अपनी तरफ से एक्सेल बनाई जिसमें हम वैलिडेशन लगाने जा रहे हैं। एडिट डिफॉल्ट पैकेज हम लोग वैलिडेट हमारी क्लास पड़ी है, ये रही हमारी क्लास एम्प्लॉय एक्सेल वैलिडेशन, इग्नोर एनोटेशन टू, अभी एनोटेशन को इग्नोर करके चलेगा क्योंकि हमने क्लास के ऊपर एनोटेशन भी लगा रखी है। पहला फील्ड इसका आईडी कंस्ट्रेंट देंगे हम इसके अंदर, और वो है हमारा मिनिमम, ये है वैलिडेशन। तो एलिमेंट नेम मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, फील्ड इस आईडी की वैल्यू,
एक सेकंड हो गए तो ये फिर आपको मैसेज करके देगा। दूसरा कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं इसी क्लास के दूसरे फील्ड को, जो हमारी ऊपर क्लास आई गई है अपनी क्लास, और वो कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं हम नेम में, नॉट नल लगा दिया, और साथ साथ साइज मिनिमम 5 कैरेक्टर मैक्सिमम 30 कैरेक्टर। तीसरा है मेल, और मेल वाली वर्डिशन लगा दी, अगर मेल ठीक से एंट्री नहीं करोगे तो एरर आ जाएगी, इसे हमने बंद कर। यहाँ क्लास आई डी नेम ठीक है साहब, ये सारा एक्सएमएल के थ्रू हो रहा है और ये वैलिडेटर टेस्ट। अब यहाँ पे क्लास है वैलिडेशन डॉट बाई डिफॉल्ट प्रोवाइडर डॉट कॉन्फिगर। देखो अभी हम कॉन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट निकालते हैं, पहले निकालते थे सेशन फैक्ट्री से, इस बार निकालेंगे कॉन्फिगरेशन किससे, वैलिडेशन से। तो पहले सेशन फैक्ट्री निकालते थे कॉन्फ़िग से, लेकिन सेशन फैक्ट्री नहीं है, पहले वैलिडेशन से आप निकालते हैं कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग को एक्सएमएल की और कॉन्फ़िग का मेथड यूज किया बिल्ड वैलिडेशन फैक्ट्री, पहले आती थी सेशन फैक्ट्री। सेशन एक कॉन्फ़िग का मेथड है बिल्ड वैलिडेशन फैक्ट्री, वैलिडेटर फैक्ट्री, और जिससे हमें ऑब्जेक्ट मिलता है एक वैलिडेटर फैक्ट्री क्लास। वैलिडेटर फैक्ट्री का मेथड है गेट वैलिडेटर, जिससे हमें मिलता है वैलिडेटर क्लास का। अब हम देखते हैं वही क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और माइनस में वैल्यू डाल रहे हैं, तीनों वैल्यू गड़बड़ है, तीनों वैल्यू गड़बड़ है। अब ध्यान से सुनना, वैलिडेटर क्लास का मेथड था वैलिडेट, हमने इसे अपना ऑब्जेक्ट दे दिया ठीक, और ये क्या काम करेगा, हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट ये दे रहा है, हमें एक सेट, ये हमें दे रहा है एक सेट, सेट के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन वॉल्यूशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका पड़ा होगा, हमारी वैलिडेशन क्लास का ठीक है। अब अगर हमारा सेट आया एम्प्टी, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन वॉयलेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई है, अगर सेट खाली आया है, लेकिन अगर सेट में कंस्ट्रक्शन वायलेशन का ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई है, इसमें जितना अगर एक कंस्ट्रेंट वैलिडेट होगा हमारा वैलिड होगा तो कंस्ट्रक्शन वायलेशन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, दो अगर कंस्ट्रेंट वैलिड होंगे तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, तीन तो तीन, चार से चार, इस समय तीन बनने चाहिए क्योंकि मैंने तीनों को वैलिड कर दिया। तो हमने इसे चेक किया इफ, ये देखो हमारा सेट जो है इज नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फॉर लूप लगाया, इसके अंदर से एक एक करके किसका ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, कंस्ट्रेंट वायलेशन का, याद रखना सेट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर हमने क्या किया, इस कंस्ट्रेंट वायलेशन का मैसेज प्रिंट कराया, गेट मैसेज टेम्पलेट, गेट इनवैलिड वैल्यू एंड गेट प्रॉपर्टी पाथ एंड गेट मैसेज, ये सारी वैल्यू हमने इससे प्रिंट कराने की कोशिश की, गेट मैसेज टेम्पलेट प्लस गेट इनवैलिड वैल्यू जो आई थी वो भी प्रिंट करेगा, मैसेज भी प्रिंट करेगा, प्रॉपर्टी का पाथ भी और मैसेज, तो मिला के चार वैल्यू, और अगर एक भी इसमें नहीं आता मतलब कोई कंस्ट्रेंट आपका फेल नहीं हुआ, तो तीन बार आएगा, तीन मैसेज आएंगे तीनों के तीनों अच्छे। अब आगे हमारी कहानी समझे सबको अच्छे से, ऐसे ये कहानी होने वाली है हमारी ठीक, चलो जरा इसे सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया और ये सारी वैलिडेशन हम वाया XML करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे चलो जरा चला लेते हैं इसको वैलिडेटर टेस्ट।
पहला मैसेज ये रखा देखो हमारे पास कि जीमेल नाम प्रिंट कराया नॉट अ वेल फॉर्म ईमेल मैसेज. उसके बाद यू कैट वैल्यू आई उसकी नेम साइज मस्ट बी बिटवीन 5 to 10 फिर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नोट के जीरो कंसेंट वाले को ऐसे नहीं होगा बढ़िया आगे की कहानी समझे सबको अच्छे से. तो इस तरीके से हम वैलिडेशन चेक कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सेव करने से पहले. अभी सिर्फ दिया है ऑब्जेक्ट को, अभी सेव तो किया ही नहीं. इसके आपने देखा हमने यहाँ पे कोई सीएफजी फाइल नहीं बनाई है बेटे, उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं सीएफजी फाइल की, क्योंकि मैं अभी सेव ही नहीं कर रहा. मैं तो सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट में डेटा डालने के बाद हाइबरनेट से वैलिडेट कर रहा हूँ. हाँ, अगर इसे सेव करता तो फिर मुझे सीएफजी भी चाहिए थी, बाकी सारी चीजें मुझे जरूरत. तो इस तरीके से आप वैलिडेशन भी चेक कर सकते हैं. अब आपको मैं चला के दिखा देता हूँ इसे, ये मैं आपको दे दूंगा लंबा थोड़ा प्रोग्राम है. अब हम यही काम एनोटेशन वो आपको XML बनाने की जरूरत नहीं. ये रही आपकी फॉर्म, वही पहले वाली एज इट इज. कोई चेंज नहीं है, बट हाँ आप एनोटेशन वाया क्लास XML. ये लो इसके ऊपर ही लगा रखा है मिनिमम वैल्यू 1 मैसेज आईडी मार्क, अगर इससे काम आता है
फिर हमने लगा दिया आज के ऊपर, नेम के ऊपर देख सकते हो दो लगाएंगे, एक नॉमिनल नेम कैन नॉट बी नल, साइट मस्ट बी बिटवीन बिजनेस डेज, ईमेल के ऊपर नॉट वैलिड ईमेल, ठीक। फिर वही गेटर एंड सेट, सीधा अपना प्रोग्राम चलाना है हमने। सो बिल्ड वैलिडेशन फैक्ट्री, वैलिडेशन फैक्ट्री अब यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास की थी XML के थ्रू, लेकिन अब यहाँ एनोटेशन है तो एनोटेशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। देखो वैलिडेशन क्लास का मेथड है बिल्ड डिफॉल्ट वैलिडेशन फैक्ट्री, ये वहां पे भी आया था क्या, इसका मेथड है गेट वैलिडेटर, वैलिडेटर भी आ गया। अब वैलिडेटर का मेथड है बाई प्रोवाइडर, और इसके अंदर हमें एक नाम देना पड़ता है किसका, हाइबरनेट क्लास, इससे हमें कॉन्फ़िगर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसपे हम कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर मेथड चलाएंगे, और उससे हमें फिर मिलेगा वैलिडेटर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा क्लास हमें यूज करनी पड़ेगी। फिर हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, -1 नेम ईमेल तीनों खराब, तीनों वायलेट करेंगे, फिर वो इसका मेथड वैलिडेट, फिर वो कॉन्स्टेंट वायलेशन, फिर इसके अंदर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि इस बार जो हमारी एम्प्लॉय क्लास, ठीक है साहब। और फिर ये तीनों मैसेज वही प्रिंट होकर चले जाएंगे, एक एक करके निकालता गया, और साथ साथ टेम्पलेट भी, प्रॉपर्टी पार्ट भी, और मैसेज भी तीनों प्रिंट कराता चला गया, तीनों ही प्रिंट। इस बार थोड़ा सा तरीका रखा यहाँ पे, बस हमें हाइब्रिड वैलिडेटर नाम की क्लास को यूज करना पड़ गया। चलो जरा इसे भी चला लेते हैं एनोटेशन के थ्रू, ID is not valid, side must be हमारा वाला आ गया, and not valid जो हमने मैसेज, ठीक। अब हम करते हैं एसोसिएशन के, one class has the object of another class that you know, आप चाहो तो validation message.properties file भी बना सकते हो, और इससे भी मैसेज उठा के प्रिंट करा सकते हो अगर जरूरत है, नहीं तो अपने डायरेक्ट मैसेज दे दो तो भी चल जाएगा। एसोसिएशन एक काम करता हूँ, पहले इसमें इनहेरिटेंस करा देता हूँ, इनहेरिटेंस से पहले ये पेरेंट्स माई डी नेम नल नहीं होना चाहिए, इसमें केवल एक ही, फिर चाइल्ड डी डेटा ये भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल, फिर वैलिडेटर टेस्ट, वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट वैलिडेटर फैक्ट्री, इससे गेट वैलिडेटर सिंपल वाला, ठीक। और फिर यहां हमने चाइल्ड बीन का ऑब्जेक्ट बना दिया, और वैलिडेट में चाइल्ड बीन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, और फिर से हमारे पास एक सेट आ गया, सेट के अंदर कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन, और आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही नल डाल दिए हैं, दोनों ही नल है, देखो चाइल्ड बीन के किसी भी डाटा मेंबर ने कोई वैल्यू डाली तो बाय डिफॉल्ट दोनों में नल होगा, ये इज एम्प्टी आ जाएगा, और फिर से सारे मैसेज प्रिंट हो जाएंगे, फिर से सारे मैसेज, क्योंकि दोनों ही नल है और दोनों में दो डाटा मेंबर है ना, वहां तो चाइल्ड के पास एक पेरेंट से आया और एक उसका अपना वाला, और ये दोनों ही नल है।
गया, मेन और पिनल, मेन और पिनल दोनों ही नल थे। अब चलते हैं एसोसिएशन में। माई बीन पहले वाले नेम, फिर एक चाइल्ड बीन, तो माई बीन को लाइक करती है ये बेटा आ गया, ठीक। फिर अंदर नॉट वैले, नॉट नल और ये वैले दो लगा दिया है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर माई चाइल्ड बीन। अब ये इसका अपना तो कोई डाटा नंबर है नहीं, अंदर बीन का डाटा नंबर, तो डाटा नंबर किसके चेक करेगा इसका, अब वो इसको चेक करेगा, नॉट नल भी चेक करेगा तीन डाटा नंबर के ऊपर, ऑल वैल्यू भी चेक करेगा, और कहता रहे सेटर। अब मैं ऑब्जेक्ट इसका बनाऊंगा सिर्फ अनदर बीन का, वैलिडेटर निकाल लिया है हमने, और फिर ये देखो अनदर बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर अनदर बीन के अंदर सेट कर दिया सेट चाइल्ड बीन और चाइल्ड बीन का ऑब्जेक्ट, और इसके दोनों डाटा मेंबर फिलहाल नल कर दिए, तो फिर से वो नल वाली कहानी आ जाएगी, और वैलिडेट में अनदर बीन का ऑब्जेक्ट दे दिया, कंस्ट्रेंट फेल होते जाएंगे और सारे मैसेज प्रिंट होते चलेंगे। देखिए साहब नॉट नल नॉट नल आ गया दोनों। अब लास्ट आता है इसमें पैरा, पैरामीटर आते को जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें लोकल ड्राइवर। अब ये इस पे चेक नहीं कर रहा बेटा, अब ये डाटा नंबर पे वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूं मैं, जो वैल्यू उसमें सेट कर रहा हूं ये जो पैरामीटर है ये नल नहीं होना चाहिए, ये नल है तो यही वॉलेट हो गए, ठीक। ऐसी नॉट नल साइज मिनिमम 5 आना चाहिए डाटा का, तभी डेटा आएगा, नहीं तो फिर वो वैलिडेशन वैलिड हो जाएगा। मिनिमम साइज कितना देती है 5, तो जो लोकल वेरिएबल है इस बार वैलिडेशन उनके ऊपर चेक किया जाएगा पैरामीटर्स का, रादर देन डाटा मेंबर। पहले डेटा मेंबर में चेक कर रहे थे तो उनके गेटर और सेटर के ऊपर लगा रहे हैं। फिर से वैलिडेटर टेस्ट में आते हैं, वैलिडेटर निकाल लिया है, और ये रही हमारी न्यू, और देखो पहले वाले में पंकज, तो पंकज को सही सलामत है, नल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर इसके ऊपर क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल के गेट मैथड, मैथड को रिप्रेजेंट, मैथड का नाम था प्रिंट डेटा जो प्रिंट कर रहा है, और उसके अंदर ये एक ऐसा मेथड भाग हो, तो हमारी इस वैलिडेशन लूप में होगा एक डेटा प्रिंट, इसके ऊपर तो निकालना है, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है हमारे पास। नाउ ये ना तो ये तो कंस्ट्रक्टर, ये सही है, मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल लिया, एक हमने ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना दिया, और इस बार हमने एक मेथड कॉल किया वैलिडेटर का डॉट और एग्जीक्यूटेबल, और इससे हमें एक और ऑब्जेक्ट मिला एग्जीक्यूटेबल वैलिडेटर क्लास का, और फिर इससे हम सारी कहानी चलाएंगे। इस बार आएगा एग्जीक्यूटेबल वैलिडेटर क्लास का वैलिड पैरामीटर्स, कौन से वाले इस क्लास का, इस मेथड के, और ये पैरामीटर क्लास का, क्लास का ऑब्जेक्ट भी दे दिया, और अगर एक भी अगर क्लास का वो इनवैलिड हो गया होगा तो भी वो आ जाएगा मेथड पर जाएगा, तो भी पैरामीटर्स में हमने पास किया, तीनों चीज इसमें पास कर रखे हैं ऑब्जेक्ट भी, तो यहाँ फेल किस पे होना चाहिए 1, 2, 3, 4 लेस देन 5, ये वाला फेल हो जाना चाहिए क्योंकि वो लेस 5 था ना, और इसमें पंकज है ये तो हमने नल लगा ही रखा था, नल है भी ये थी, और एक बार कंसेप्ट आएगा और वो प्रिंट हो जाना चाहिए। चलो जरा इसे चला के देखें, थोड़ी सी क्लास अलग आ गई,
प्रिंट डेटा साइज में टच कर दिस आ गया, क्योंकि नाम तो हमने सही किया था, नाम तो हमने सही उसी पे आ गया बिटवीन दिस एंड दिस। तो इस तरीके से आप उसको वैलिडेशन भी चेक कर सकते। चलो अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दे देता हूँ जिससे आपका काम खत्म हो जाएगा। ये सारा फर्स्टेबल कैसे हाइफन इवेंट फिल्टर है, इंटरसेप्टर भी है, और जो अभी एमवीसी का इसका प्रोजेक्ट मैं भी आपको कराने जा रहा हूँ, हाइफनेट एनोटेशंस भी मैंने डाल दिए हैं, एसोसिएशन भी है, वैलिडेशन एनोटेशन भी है, ये भी सारी की सारी है, विदेशल भी है, सेकेंड लेवल कैसे भी है, और सॉकेट सेट भी मैंने काम कर रखा था। ये सब का एक गूगल ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, सारा अपने कॉपी पेस्ट अब मैंने यहाँ पे बढ़िया सा आपके सबमिट के अंदर हाइपरनेट को यूज करते हुए बढ़िया सी एमबीसी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर हमारी सी एस टेबल हमें दे दिया क्रिएट। चलो पासवर्ड चेंज कर देते हैं सबसे पहले फोन का, और एक डाइवर ये तो हो गया हमारे पास कॉम। आप सारे सारे अलग अलग बनाए हुए हैं, तो इसकी कहानी जो शुरू होगी एमवीसी के अंदर, ये इसका पब्लिक फोल्डर है यहाँ से। सबसे पहले हम चलाएंगे यहाँ से लॉग इन करके छोटा सा एक प्रोजेक्ट है लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। ये सबसे पहले हम खोलने वाले हैं और ये मेथड हमने लगा दिया है लॉगिन सब, ठीक। प्लीज प्रोवाइड योर क्रेडेंशियल टू यूज वेबसाइट, यहाँ पे अब हम यूजर आईडी डब्बा ये लगा दिया, ठीक है। यूजर नेम इसकी वैल्यू ये रहा हमारे पास, दूसरा आईडी पासवर्ड पासवर्ड लेंगे और इसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा सबमिट बटन, ठीक है सर। यूजर नेम पासवर्ड दे दो, या फिर अगर आप नए यूजर हो तो क्या करा रजिस्टर करा, नए यूजर हो तो आप क्या कराओ रजिस्टर। तो यहाँ से हम पहले चलाएंगे रजिस्टर डॉट जेएसपी, सबसे पहले लॉगिन डॉट जेएसपी चलेगा, लॉगिन डॉट जेएसपी से हम किसे चलाने की कोशिश करेंगे रजिस्टर डॉट जेएसपी, चलो चलते हैं रजिस्टर डॉट जेएसपी। फर्स्ट नेम ले लिया उसका, उसको
उसके बाद हमने मिडल नेम ले लिया, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड, और इसे सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही अभी तो कहानी जाएगी किसके पास जाएगी, हमारे एक सबमिट के पास, रजिस्टर सबमिट या प्रोटेक्शन मैनेजर की एंट्री होगी हमारे पास। ये रहा हमारा रजिस्टर सबमिट, ठीक। और यहाँ पे ये कंट्रोलर के अंदर पड़ा हुआ है हमारा रजिस्टर सबमिट। चलते हैं रजिस्टर सबमिट के पास। ये रहा रजिस्टर सबमिट। यहाँ पर पैरामीटर गेट करेंगे हम, ये देखो गेट पैरामीटर, जो नेम पासवर्ड ले लिया, फिर एक यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, और फिर इसे सेव करेंगे, जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं अपनी क्लास रजिस्टर सर्विस, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड है रजिस्टर, और ये यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास करेंगे, तो ये इसे जाके डाटाबेस में सेव कर देगा, ठीक, रजिस्टर सर्विस। ये ही हाइबरनेट को यूज करने वाला रजिस्टर सर्विस में आ जाओ, सर्विस, ये रहा हमारा रजिस्टर सर्विस। यहाँ पे हाइबरनेट यूटिल से हमने ओपन सेशन भी आपको दिखा देते हैं, ये रही हाइबरनेट यूटिल, और यहाँ से आप देख सकते हैं सेशन बना के हमने इसे यहाँ से ओपन करा के दिया हुआ है। सेशन आ गया हमारे पास, ट्रांजेक्शन शुरू कर दी, बिगिन हो गई, और सेशन का मेथड सेव और अपडेट, और ले जाके डाटा इसमें से हो जाने वाला है। अभी इस यूजर एग्जिस्ट हमने यहाँ से लाया, अब पहले हम इसी क्लास का मेथड चलाया, इस यूजर एग्जिस्ट, क्या ये इसी नाम से आईडी से पहले से एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ट्रू या फॉल्स, एग्जिस्ट करता है, इसने ट्रू किया तो फॉल्स, अदरवाइज जाके नीचे चला गया, तो हिंट रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, नहीं तो नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब इस यूजर एग्जिस्ट पे आ गया, फिर यहां सेशन निकाला, ट्रांजेक्शन बिगिन किया, फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू, और जो यूजर से आया था वो आईडी चेक, ठीक, और गेट यूनिक रिजल्ट, इससे यूजर आ गया, यू आ गया। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, देखो अगर हमें यू मिल जाता है और यू इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब ट्रू एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कैरेक्टर रन करते जाइए, फिर यहां से चला जाएगा इतना रिजल्ट, रिजल्ट में हमने क्या लगा है, हमने लगा है या तो रिजल्ट में ट्रू या फिर वाइट फॉलो कर, देखो फॉल्स हो और ये फॉल्स हो गया। अगर यू में नल आ गया, नल नहीं है, देखो अगर नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट, इसमें हमने क्या डाल, इस नॉट इक्वल टू नल मतलब वह एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू नल है इसका मतलब तो ट्रू है, वह एग्जिस्ट करता है, तो वहां से रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगर ऊपर से नीचे से फॉल्स आया तो वो नीचे आया, अगर यहां ट्रू आया तो फिर यहां से रिटर्न फॉल्स रख देगा, ये भी कहा। अब हम चलेंगे अपने लॉग इन वाले रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उससे पहले थे हम लॉग इन डॉक्यूमेंट्स की, और ये रजिस्टर खत्म होने के बाद यहाँ से हम जाने वाले एक सबनेट के पास, जिसका नाम होगा लॉग इन सबनेट। चलो जरा लॉग इन सबनेट के पास चलते हैं, कंट्रोलर के अंदर ये चेक करेगा पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पासवर्ड ले लिया, और अब हमें फ्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया लॉगिन सर्वर, और ये चेक करेगा ऑथेंटिकेट यूजर, यूजर आईडी पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ से वो ट्रू या फॉल्स दे, फिर हमने लॉगिन सर्विस का एक मेथड चलाया है गेट यूजर बाय आईडी, फिर हमें सीधा यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रन करके दे, अगर रिजल्ट में ट्रू आया है तो हमने पहले चराज के चलते हैं छोटा सा लॉगिन सर्विस के पास, ये वैलिडिटी चेक करेगा ऑथेंटिकेट। चलो लॉगिन सर्विस पे आ जाओ, लॉगिन सर्विस, वो सर्विस में पड़ा होगा, ये रहा सर्विस, ऑथेंटिकेट यूजर नेम पासवर्ड आ गया, गेट यूजर बाय यूजर आईडी,
अब ये सीधा मेथड है, यहाँ से यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। ये यूजर आईडी इसमें आ गया, सेशन निकाला फ्रॉम यूजर, और यहाँ से क्वेरी चला के यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट निकाल दिया और इस यूजर को हमने यहाँ से रिटर्न यूजर आ गया। और इसमें नॉट इक्वल टू नल है और गेट आईडी जो ऊपर से आया है हमारा आईडी और ये दोनों पासवर्ड सेम है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जो कि हमने कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से, ये रहा। तो ट्रू या फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट भी, हाँ उस यूजर का ऑब्जेक्ट भी इसमें आ जाएगा। देखो लॉगिन सर्विस का गेस्ट यूजर आईडी दे रखा, वो यूजर भी आ गया, ट्रू भी करता है। फिर हमने निकाला सेशन गेट सेशन रिक्वेस्ट से और उसके अंदर यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया और यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया इसके ऊपर होम डॉट जेएसपी को, नहीं करता तो एरर डॉट जेएसपी वो हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ सेशन से डेटा निकालेंगे और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। भेज दिया फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम वेलकम और लॉगिन, ठीक है। नीचे उसका सारा डेटा भी प्रिंट करा दिया हमने लॉगिन सर्विस से। लॉगिन सर्विस का ऑब्जेक्ट बना के गेट लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स और सारे यूजर का हमें यहाँ डेटा भी नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा काम करने वाला है और कुछ भी गड़बड़ होगी तो फिर एरर डॉट जेएसपी है वहाँ भेज देंगे मैसेज यूजर का लॉग इन वाज अनसक्सेसफुल प्लीज ट्राई। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉप पर ये प्रोजेक्ट बनाया है मेरे साइबरनेट को यूज करते एक। अब इसमें हमारी यूजर क्लास का नाम और इसके ऊपर सारी वेरिफिकेशन लगी है, इस नाम पे टेबल बनेगी 250 अभी वास्तव में सब अच्छे से। अब ये इसके गेट टैलेंट सेटर, ये इसका सॉफ्टवेयर पूरा गेट टैलेंट सेटर। तो इस तरीके से हमने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सेव किया, फिर उसे वैलिडेट करके प्रिंट कराया, वैलिडेट करता है एक्सेस करता नहीं करता, साथ साथ सारे यूजर भी हमने नीचे प्रिंट करा दिए। तो कल हम आपसे चलिए साहब कल मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है।